नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्ट्रगल टीवी में। मेरा नाम है सुजय, आप लोग सब मुझे जानते हैं। मैं ज्यादा पुराना बात आपके साथ अभी नहीं करूंगा, जस्ट मैं स्वतंत्रता के बाद की मतलब 1930 के बाद से जो इतिहास है हमारे नास्तिक और आस्तिक में, उसी के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि 1930 के आसपास में भारत का जनसंख्या था करीब 33 करोड़। तो तब क्या था कि हर एक इंसान के ऊपर एक एक भगवान हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन समय के साथ साथ हम लोगों का जनसंख्या अभी बढ़ के करीब 120 करोड़ होने को है। तो इस क्षेत्र में क्या देखा जा रहा है कि हम लोगों को भगवान की थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है, मतलब हिंदुओं के लिए भगवान की थोड़ा शॉर्टेज हो गया, क्योंकि 33 करोड़ तो अभी 100 करोड़ तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जा रहा है। तो इसलिए प्रकट हुए हमारे इस युग के कुछ बाबा। तो ये बाबाओं के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। मैं बाबाओं के बारे में बहुत अरसे से वीडियो बनाना चाहता था, मेरा बहुत ही दिल का करीब वाला टॉपिक है ये। बाबा जीओ में से मैं आप सबको बताना चाहूँगा बाबा जी के अंदर में जो खासियत है। ये बाबा लोग क्या करता है कि मतलब आपको तरीके विभिन्न तरीके से लूटने की प्लान करता है, ठीक है। तो इनके मूलभूत तौर तरीके में यही है कि ये लोग भगवान की पूजा करता है या नहीं करता ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये लोग पक्का कैपिटलिस्ट है इतना मुझे पता है, पूंजीवादी है। क्यों मैं आपको ये सब कह रहा हूँ, ये चीज आपको समझना होगा, क्योंकि हर एक बाबा का एक अलग अलग प्रसाद होता है। एक चीज समझिएगा, तो एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। बाबा लोग क्या करता है कि मंत्र बेचता है या अंगूठी बेचता है या फिर कुछ आपको जड़ी बूटियां वगैरह बेचता है, जिससे कहता है कि आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, आपका ना जाने कितने सारे रोगों के इलाज इन बाबाओं के पास है, जो कि अभी मतलब इन लोग इसको कम इस्तेमाल करने के लिए हमेशा जोक का सहारा लेता है, हमेशा बोलता है कि हमारे पुराने ग्रंथों में ये सब था, उसमें से हम लोग इसको बना के आपके सामने लाए हैं। अब क्या है कि कैंसर का दवाई, यानी कि मान के चलिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, विकसित देश में जाके चिकित्सा कराने के लिए आपको करोड़ों रुपया, कम से कम कई लाख रुपया की जरूरत होता है, जो आपके पास है नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि आप ये टारगेट, इन लोगों का टारगेट क्या है वो समझना जरूरी है। ये गरीब इंसानों को शोषण करता है, ठीक है। तो गरीब इंसानों को क्यों, क्योंकि देखिए जिसके पास 5 लाख 10 लाख खर्चा करके अमेरिका जाके जो चिकित्सा है कैंसर की वो कराने की हैसियत नहीं है, तो वो देखता है कि अगर 500 रुपया का दवा खाने में मेरा ये सही होने का चांस है तो वो एक बार चांस लेता है, चाहे अपने पेट काट के भी एक बार कोशिश करता है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्या, कहाँ ब्लेम करने जाएगा, क्योंकि हमारे देश में आप देखिएगा टीवी चैनलों में हमेशा से कुछ ना कुछ चलता रहता है इस तरीके का, मतलब जो आप स्त्री जंत्र लाइए, ये अंगूठी पहनिए तो आपको धन की भरमार, आपका कैंसर का सही हो जाना, ये सब कुछ होते रहता है। तो इस सब के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग अगर गवर्नमेंट लॉ अगर पास होता हमारे संसद में, अगर गवर्नमेंट लॉ पास होने के बाद उसको सही तरीके से लागू किया जाता तो हमारे यहाँ पे कुछ इसमें कमी आने की चांस था, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, जिनके बीजेपी गवर्नमेंट है, वो लोग खुद इस तरह का प्रोपोगंडा को फैलाते हैं ताकि इंसान का ध्यान जो है उनके जो कुकर में है उसमें ना जाए, उससे हट जाए। तो इसलिए वो बात सोच के कोई फायदा नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ करने वाला नहीं है। जो हो सकता है कि हम जो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, उसके माध्यम से अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है तो आप लोग खुद इन सब चीजों से थोड़ा 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 करके दूर होते जाइए, इसमें आपका फायदा है। इसमें तेरा घाटा है मेरा कुछ नहीं जाता है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका लॉस है मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों, मैं तो ऑलरेडी समझ चुका हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ। आते हैं बाबाओं के प्रकार भेद में, आपको मिल जाएगा इस हाथ में मेरा है भोग वाले बाबा, इस हाथ में मेरा है जोग वाले बाबा, इधर में मेरे है संभोग वाले बाबा, इधर पे मेरे, मतलब कितने टाइप का बाबाओं है, क्योंकि इतने सारे बाबा मार्केट में आ गया तो बाबाओं के बीच में भी एक कंपटीशन बहुत जोर तोर से लगा हुआ है। तो इस कंपटीशन को सही करने के लिए बाबाओं में भी, मतलब अभी क्या कि बाबा एक फूलता फैलता इंडस्ट्री बन गया है मेरे हिसाब से, ठीक है। एक क्या होता है कि बाबा लोगों में भी ये लोग भी चांस लेता है, चलो मतलब चोरी टकेटी करके कुछ फायदा तो नहीं है। जैसे कि ये वाले भाई साहब, ये वाले बाबा था कपड़ा वाला, अब कपड़ा बेचता था तो अभी कपड़ा बेचना बंद करके ये सब कुछ चालू कर दिया। तो इन बाबाओं से आप सबको मुक्ति के लिए आप सबको मतलब सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ ऐसा जड़ी बूटी कुछ ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपका प्रॉब्लम आपका जो तकलीफ है उसको ये दूर कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करने का इन लोगों का हैसियत होता तो ये लोग बड़े बड़े
मतलब मल्टीनेशनल्स के पास जाते हैं, अपना जो फॉर्मूला है उसको बेचते, उससे करोड़ों रुपया कमाता, ना कि इस गरीब का एक जो रिक्शा वाला है उससे 500 रुपया छीन के खुश होते। ठीक है, तो ये सिंपल चीज आप अपने दिमाग में समझने में इतना टाइम लेते हो, इसलिए ये आपको इतने आसानी से बना के चला जाता है। तो ये सब चीज आप समझ लो, इसमें आप ही का फायदा है। और अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या आपका राय है इस वीडियो के बारे में। MCBC जो भी देना है दे सकते हैं, आई डोंट माइंड, क्योंकि पब्लिक फोरम में है तो सुनने की आदत डालना चाहिए। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे कृपया कृपया बताइए, अगर आप लोग इस वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में, मैं इसका लेना चाहूंगा, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोगों का सपोर्ट मिला मुझे तो इस वीडियो को मैं सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, बाबाओं के ऊपर एक सीरीज मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं आज जैसे कि सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में हो गया, इस्लाम में भी ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, जैन में भी ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, बौद्ध में भी ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, सबके बारे में बातचीत मिलेगा धीरे धीरे, लेकिन पहले आप सपोर्ट तो दिखाओ, उसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।